एक्सक्यूज नहीं अखिल श्रीवास्तव जी बोलिए मिल गया आप लेट हो गए बताइए क्या बात है थोड़ी बात करनी थी आपसे नहीं जान चाहिए आपकी हमें तो किल गुड अड Listen, um, uh, why are you doing this? मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं और मेरा क्लाइंट तुम्हें क्यों मारना चाहता है I don't know. But who, 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 who's this क्या फर्क है इससे मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता नो मैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूँ हाँ मुझे बात करना बहुत पसंद है okay. मैं लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ लोगों की लाइफ के बारे में <laughs> तो क्या होता है कि मैं कई बार उनको उनको छोड़ भी देता हूँ जाने भी देता हूँ हो सकता है मैं तुम्हें जाने दूँ गेम kind of no, no. <laughs> नहीं है मैं... बात conversation, बात करना चाहता हूं। मेरा क्या है ना मैं किताब के हर पन्ने को पढ़ना चाहता हूं लोगों की तरह उसमें भी कई राज छुपे होते हैं <laughs> नहीं? <laughs> to नहीं 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 टॉर्चर नहीं यार बात करना चाहता तो हूं बात करना इंपॉर्टेंट हाँ। बात यह है कि तुम क्या काम क्या करते हो तुम यार? यारो नो अ गुड क्वेश्चन जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो Hello. कैसे हैं आप क्या काम करते हैं अरे किसी के प्रोफेशन से उसे जाना जा सकता है क्या है? मैं मैं, एक हिट मैं हूं। ये सुन के मेरे बारे में तुम जो भी सोचोगे वो वो जानने के लिए काफी नहीं है मैं वैसा नहीं हूं जैसा दिखता हूं यू you नो know? मैं मैं जिंदा दिल आदमी हूं okay, मैं boy. मैं बिल्कुल लाइव आदमी हूं मैं ओके ओके फाइन 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 रिलैक्स मैं वैसा नहीं हूं जैसा दिख रहा हूं फाइन फाइन रिलैक्स दिस वुड बी अ बेटर क्वेश्चन कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट फॉर पैशनट अबाउट वोड़ो लाइफ में क्या करते हो क्या वो सबके लिए वक्त नहीं मेरे पास दिस इज माई होल लाइफ माई वर्क इज माई होल लाइफ मुझे मुझे वही सवाल दोबारा पूछना पड़ेगा <laughs> अरे वो वो पहले पूछा था ना वो तुम आ, काम क्या करते हो आप बिजनेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डू यू एंजॉय जॉब मेरी जरूरतें हैं वो सब पूरी होती हैं इट कैन बाई मी वर आई वॉन्ट इट is पैसा है ना सिक्योरिटी के लिए आदमी अपने लिए सिक्योरिटी चाहता है अपनी फैमिली के लिए अपनी अपने बच्चों के लिए आई यू मैरिड आई डोंड आई वॉज मैरिड I'm Oh. You know, marriage is not for everybody. It's too complicated. Complicated. हर संडे उसको डिनर पे ले जाना कॉम्प्लिकेटेड था या फिर जब तुम ऑफिस से घर आते थे तुम्हारी पसंद की डिश तैयार मिलती थी दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड या तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी अलीशा का पैदा होना कॉम्प्लिकेटेड था क्या हुआ अपनी लाइफ के पन्नों से घुटन महसूस होने लगी यू वो अंडरस्टैंड आई थिंग और कोई भी चीज उस फोकस से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है सो दैट मीन्स तुम ऑफिस का वर्क और टेंशन लेके घर आओ तो तुम्हारे बीवी बच्चे इरिटेट नहीं होने चाहिए लेकिन अगर वाइफ की तबियत खराब है और तुम्हें बच्ची को संभालना पड़े तो यू विल बी तो यू रिमेंबर अपने पांच साल की मैरिज लाइफ में एक भी मैरिज एनिवर्सरी में तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं थे रिमेंबर तीन साल की अलीशा के किसी भी बर्थडे पे तुम घर पहुंचे हो आई लव द याद करो तीन साल की छोटी सी बच्ची जब डोरबेल बज के तुम्हारे पास आती थी और तुमसे कहती थी पापा आ गए तो ये बातें तुम्हें इरिटेट करती थी तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए बिना खाना पानी के व्रत रखती थी तुमसे फोन पे बात करना चाहती थी लेकिन तुम तुम्हारे पास उसके लिए वक्त नहीं था क्योंकि तुम बिजी रहते थे अपनी मीटिंग में अपने जॉब में ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी फकिंग जॉब की वजह से तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे तुमसे इरिटेट होते हो तुम्हें इस बात का एहसास किया यू डोंट हैव एनी फीलिंग तुम तो अपने जॉब को बड़े बड़े शब्द देते हो सक्सेस फुलफिलमेंट भाग रहे हो बस पैसे के पीछे पैसा सक्सेस पैसा सक्सेस खत्म ना होने वाली अंधी दौड़ ब्लडी कॉर्पोरेट अबाउट योर पेरेंट्स या उन्हें भी भूल गए नहीं वो लोग इधर ही पास में के पास एक ओल्ड एज होम है वहां है नहीं थे वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार तुम्हें देख ले पर किसी के पास तुम्हारे नए घर का एड्रेस नहीं था और अपना कांटेक्ट नंबर तुमने छोड़ना उचित नहीं समझा क्या तुम जीना क्यों चाहते हो तुम्हारे लिए एक चीज़ है मेरे पास ये एक तस्वीर है शायद तुम्हारे बचपन की ओल्ड एज होम वाले बता रहे थे कि तुम्हारी मां अक्सर इसे देख के रोती रहती थी मैं तुम्हें तो मारने आया था पर तुम तो पहले से ही मरे हुए हो